नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली उस मुहिम में जिसमें हम चमत्कार के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल नाम की इस मुहिम में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों की पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे बाबा की जो तंत्र मंत्र से हर परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। तंत्र मंत्र से परेशानी, भूत प्रेत सब कुछ दूर हो जाता है। एक से बढ़कर एक दावा, पाखंड का बड़ा दिखावा। किसी ने जिन्नात को बुलाया, कोई करता है प्रेत बाधा का दावा। कोई देता है टच थेरेपी, किसी के पास बोतल वाली रेसिपी। अब गुड्डू भगत की बारी, जिनके इशारे पर प्रेत लगाते हैं हाजिरी। होगी उनके दावों की पड़ताल, क्या बाबा दिखा पाएंगे प्रेत जाल। न्यूज नेशन देगा चैलेंज, क्या बाबा भूत से लेंगे रिवेंज। आपको लाइव दिखा सकता हूँ कभी, आप यहाँ अभी दिखा सकते हैं क्या, बैठे हैं लोग वो भी देख लेंगे। न्यूज नेशन पर पहली बार क्या लाइव लगेगा भूतों का दरबार। आज बात एक ऐसे बाबा की कर रहे हैं जो माता काली का दरबार लगाते हैं, तंत्र साधना से सिद्धि का दावा करते हैं, प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं, टोने टोटके बताकर वशीकरण का दावा करते हैं। नाम है गुड्डू भगत। ये बाबा और किस तरह से चमत्कार करते हैं, कहाँ लगता है इनका दरबार, एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं, उसके बाद इनसे ही हम जुड़ेंगे। न्यूज नेशन पर पाखंड की पोल खोल जारी है। दरबार लगाकर लोगों के कष्ट दूर करने का दावा करने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ इस मुहिम में हमने कई पाखंडियों का पर्दाफाश किया है। इस पड़ताल के तहत हमें एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां प्रेत बाधा का इलाज किया जाता है। शरीर में घुसी बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने का दावा किया जाता है। इसलिए हमारी टीम ने जमीनी हालात जानने की कोशिश की और जो तस्वीर सामने आई उसने एक बारगी हमें भी चौंका दिया। सारे मलिनता साफ की जाए दरबार के, तो इसकी सारे साफ की जाए। आदेश, ओम गुरु जी का आदेश, ओम गुरु जी का आदेश। दरबार लगाने वाले बाबा के पास दिव्य शक्तियां होने का दावा किया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई जाती है। तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि बाबा कैसी चमत्कारी शक्तियों का दावा करते हैं। नाम सुना था
दावा है कि अजीब हरकतें करते और सिर धुनते इन लोगों पर प्रेत का साया है और इसी प्रेत जाल में फंसकर ये लोग असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। जन जन्नात या भूतों का इंसानी अवतार, इस दरबार में बाबा करते हैं चमत्कार। बस एक इशारे पर बड़े से बड़े भूत भी यहाँ पनाह मांगने लगते हैं। चाहे नया नवेला हो या फिर बरसों पुराना प्रेत, दरबार में आते ही गिड़गिड़ाने लगता है। और तो और, अगर दरबार में छुपा बैठा हो तो बाबा के एक इशारे पर भूत को दौड़ कर आना पड़ता है। बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाले इन बाबा का नाम है गुड्डू भगत, और गुड्डू भगत का ये दरबार लगता है दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में। जी हाँ, सही सुना आपने, देश की राजधानी दिल्ली में लगता है अंधविश्वास का ये खुला दरबार। सोचिए, जब दिल्ली में ये हाल है तो देश के दूर दराज के इलाकों में धर्म के नाम पर अंधविश्वास का कैसा खेल खेला जाता होगा। गुड्डू भगत माँ काली के भक्त होने का दावा करते हैं। उनका ये दरबार हर रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगता है। बाबा केसरमल बावरी उनके ईष्ट और कुल देवता है। गुड्डू भगत का दावा है कि उन्होंने पूजा आराधना कर माँ काली की सिद्धि प्राप्त की है और अपने ईष्ट बाबा केसरमल बावरी के आशीर्वाद से प्रेतों की हाजिरी लगवाते हैं। उनके एक इशारे पर प्रेत दरबार में दौड़े चले आते हैं और फिर उनके हर सवाल का खुलकर जवाब देते हैं। दुख पे क्यों भेजा है परेशान करने के लिए, इसको ये बता। हाँ, अच्छा तो तब इसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये बता। क्यों, क्या बिगाड़ा इसने तेरा, ये बता। हाँ, गुड्डू भगत के दरबार में भक्तों की लंबी कतार लगती है। उनकी पत्नी कड़कड़डुमा कोर्ट में एडवोकेट हैं और वह इलाज के बदले भक्तों से एक भी रुपए नहीं लेने का दावा करते हैं। बाबा के दरबार का प्रचार सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है। लगभग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका चैनल है जहां वो तंत्र मंत्र से भूत भगाने का चमत्कार करने का दावा करते हैं। इस कारण दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। क्या बाबा के पास सच में दिव्य शक्तियां हैं? क्या सच में बाबा के एक इशारे पर प्रेत दौड़े चले आते हैं? क्या उनके कहने पर प्रेत सच बताते हैं? क्या है उनके दावों का सच? ऑपरेशन पाखंड में न्यूज नेशन के मंच पर आज करेंगे गुड्डू भगत के दावों की पड़ताल। तो गुड्डू भगत जी को आपने जान लिया, इनका दरबार लगता है और वहाँ पे भक्तों पर कृपा बरसाई जाती है और ये कृपा के साथ साथ भूत प्रेत तमाम बाधाओं से भी मुक्ति दिलाते हैं। तो चलिए गुड्डू जी से ही बात करते हैं। स्वागत है गुड्डू जी आपका न्यूज़ नेशन पर। देखिए, हम छोटे से एक माता के सेवक है, साधक है, उपासक है माता की, और केसरमल बावरी जो हमारे ईष्ट है, दादा केसरमल बावरी, ठीक है, उनके एक साधक है जो हमारे कुल देवता हैं। खास तो ऐसा कुछ नहीं है, दरबार में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, हम भी कोई खास नहीं है, नॉर्मली आपके तरह मैं भी एक इंसान ही हूँ। नहीं नहीं, आप हमारी तरह इंसान नहीं है ना, आप तो खास हो जाते हैं क्योंकि आप साधक के साथ साथ लोगों के ऊपर जो है विपत्ति भी तो दूर करते हैं ना, तो आप हमसे तो मत कंपेयर कीजिए, आप हमसे तो ज़्यादा खास हो ही गए। देखिए, विपत्ति क्या दूर करते हैं, विपत्ति हम थोड़ी करने वाले तो माता रानी बैठी है, जगत जननी जगदम्बा माँ बैठी है, बाबा हमारे दादा केसरमल बावरी बैठे, ये सबको दुख संकट हरते हैं। हम क्या है, हम तो नॉर्मल से साधक है, आपके जैसे इंसान है एक। नहीं नहीं, आप मुझसे कंपेयर मत कीजिए, मैं तो बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ऐसे इंसान होते ना, तो शायद मुझे ईश्वर ने ये करने वाले चुना। तो ये माता रानी ईश्वर ने मुझे थोड़ा ही ना चुना कि मैं साधक के तौर पर लोगों का कल्याण करूं माध्यम बनके, साधक के तौर पर आपको चुना है। अच्छा गुड्डू जी, ये बता सकते हैं कि ये साधना आपने कब शुरू की, कब से कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे घर के जो ईष्ट देवता है, केसरमल बावरी इनका नाम है, ठीक है, एक हमारी ईष्ट में देवी भी है, दादी मानकुर चौकी इनका नाम है, और माता काली भी हमारी कुलदेवी है, इनकी पूजा हमारे दादा वगैरह भी करते थे, जो हमारे तीसरी पीढ़ी के दादा थे तो वो भी यही सब करते थे, गद्दी वगैरह लगाते थे, मगर ये हमारी एक नॉर्मल देसी भक्ता ही है ये। अच्छा ये बताइए ना, ये दरबार आपका कब कब लगता है? जी, दरबार ये हमारा रविवार को लगता है, बाकी लोग आते हैं
तो वो फोन करके आ जाते, तो उनको बुला लिया जाता टाइम दे करके। आप कोई टाइमिंग भी है क्या दरबार लगने की? हाँ, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, संडे के दिन लगता है दरबार ये। अब मैं काम कर रहा हूँ, आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो आपको भी सुन रहे थे, वो भी अब आपसे बात करेंगे, उनसे मिल लीजिए। अच्छा। मैं सबको एक एक करके उनका नाम आपको बता रहा हूँ। अच्छा। वो भी हो सकता है आपसे प्रश्न करेंगे, तो उनका जवाब देते रहिएगा। योगी उमेश पुरी जी हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। अच्छा, योगी उमेश पुरी जी। आचार्य महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं, हिंदू धर्माचार्य जी। डॉक्टर प्रवेश मेहरा हैं, ये मेडिकल एक्सपर्ट हैं, साइंस तो समझ रहे हैं ना, जिसमें भूत प्रेत नहीं माना जा रहा, वो साइंस के बारे में और जो चुनौतियां हैं उस पर बात करेंगे। और डॉक्टर हेलन कॉरल, साइंस तो है वो लोग नहीं मानते ना, ये हमारे साथ हैं, ये होती है। हाँ ठीक है सर, ये भी मनोचिकित्सक हैं, मतलब दिमाग में क्या चीजें चलती है उसको आप जो कह रहे थे ना भूत प्रेत, क्या वो वाकई भूत प्रेत बाधा है या फिर वो दिमागी दिक्कत है, इस पर ये विस्तार से आपसे बात करेंगे। इन्होंने भी अब आपको सुना है, तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहले थोड़ी देर पहले महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था, माफी उसके लिए। अब आप बात कर सकते, सुन लिया ना आपने गुड्डू जी को? जी देखिए गुड्डू जी, मैं जी हम भी माता को मानते हैं, हम भी देवताओं को मानते हैं, आप उनको चरण वंदन करते हैं। जी प्रणाम नमस्कार, जय माता दी। नहीं नहीं, आपको नहीं करा मैंने, उनको करा है। जी आप जैसे नहीं नहीं, देखिए माता को पहले सुनिए, पता पहले मेरी तो बात आपको कर रहा हूँ। नमस्कार प्रणाम जय माता दी। नहीं नहीं, पहले मेरी बात को सुनिए जी। आप जैसे लोगों ने, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। आप जैसे लोगों ने हाँ जी इस धर्म को, इस सनातन धर्म को बर्बाद किया है। आप एक फ्रॉडी आदमी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या बाला आपने बर्बाद किया? पहले सुनिए, पहले आप बताइए, आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं आप नहीं बोलेंगे? हाँ, क्या आप सुन रहा हूं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतवार के दिन, पहले सुनिए बात को, पहले बात सुनिए, पहले बात आप ये बोल रहे हो, हम वो नहीं है जो आपके कहने में आ जाएंगे, पहले सुनिए हमारी बात को। आप बोले हमने सुना। हाँ हाँ बोलिए, आप सुनिए पहले बात को। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बात बोलिए। मुझे आज सोमवार के दिन भूत की बाधा है जी, मैं इतवार तक का इंतजार करूंगा। हैं दरबार आपका इतवार को लगेगा? अगर आप इतने बड़े चमत्कारी हैं तो रोज दरबार लगाइए। किसने बोला इतवार? मैंने बोला है दरबार सब लोगों के लिए। आप सुनिए मेरी बात, पहले बात सुनिए, मैंने क्या बोला है? आप सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला? पहले वो सुनिए, आप सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला है? आप सुनो ना, संडे को लगता है दरबार, उसके दिन भी लोग आते हैं मेरे पास, उनको टाइम दिया जाता है। आप बालाजी मंदिर से ही बड़े हो गए, आप जैसे भ्रष्ट आदमियों ने नाश किया है सनातन धर्म का, भगवानों को धोखा दे रहे हैं। आप ये बताओ ना, आप लोग बोल रहे हो, आप पहले सुनो, आपको बोल रहा हूँ, ऐसा भ्रष्टाचार किया क्या? ये बताओ, अरे क्या कर रहा है ये बताओ आप? तुम काम ना धंधा कहाँ से चल रहा तुम्हारा घर, कहाँ से चलता तुम्हारा घर? लोगों को पागल बना के सिर्फ क्यों नहीं काम करते? काम धंधे की छोड़, क्यों नहीं काम करते? जो टॉपिक है, पहले मेरी बात सुनिए, काम धंधा क्या? पहले मेरी बात सुनिए, ये सब मेरे बगल में डॉक्टर साहब बैठे हैं, काम ये, पहले सुनिए बात को, पहले बात को सुनिए पूरी, सेवा करना। अरे कौन सी सेवा जो संडे को ही होती है? एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखा रहा हूँ, एक वीडियो दिखा रहा हूँ। त्यागी जी रुक जाइए, त्यागी जी मैं पानी मंगवा रहा हूँ। आप नॉर्मल बात कीजिए, मुझे भूत चढ़ाया आज। हाँ ब्रश बताओ मुझे, क्या ब्रश किया हुआ है? अरे मुझे भूत चढ़ा है, संडे को आऊंगा, इतने दिन वो भूत मुझसे खेलेगा है, तेरे दरबार में आऊंगा मैं। दरबार किसका होता है? तेरी औकात है तो दरबार? आपको किसने बोला कि मंडे को दरबार भगवान का होता है? सुनिए, तेरी औकात है दरबार लगाने की? संडे को दरबार? अरे दरबार की तेरी औकात है? आप त्यागी जी, आप अपनी मर्यादा में रहो, मैं ये बोल रहा हूँ, त्यागी जी आपको शोभा नहीं दे रहा है, त्यागी जी आपको शोभा नहीं दे रहा है, त्यागी जी आपको शोभा नहीं दे रहा है। कैमरे में आने के त्यागी जी समझ गए? एक सेकंड, गुड्डू जी की आवाज कम कीजिए, त्यागी जी आपको शोभा नहीं दे रहा है, आपको शोभा नहीं दे रहा। मैं आपसे छोड़ दी त्यागी जी, इसलिए तो कोशिश हम कर रहे हैं ना। त्यागी जी आहत है कि सनातन पे बार बार प्रश्न उठता है ऐसी एक्टिविटीज को लेकर, तो उनके भाव को समझिए। वो महामंडलेश्वर है, इस पद पर बैठना ऐसे नहीं है कि भाई हमने कोई गद्दी बैठा ली और उसका नाम लिख दिया, इसकी भी एक गरिमा होती है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य, कोई वो नहीं है। गुड्डू जी रुकिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुड्डू जी रुकिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। दरबार माता का लगता है, दरबार भोलेनाथ का लगता है। ये मेरे साथ योगेश भाई बैठे, पूछिए कि क्या बालाजी महाराज से भी बड़ा कोई
दरबार है वो होता है दरबार। ये लोग फ्रॉड करते हैं, महिलाओं को बहलाते हैं, तो पुरुषों को बहलाते हैं, पैसे ऐंठते हैं उनसे, ये दरबार का मतलब क्या हुआ? आप सबको एक बात मैं बताऊं, एक वीडियो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये गुड्डू जी आप ही का वीडियो है जो मैं प्ले करने वाला हूं, और यहां मैं चाहता हूं दर्शकों को भी दिखाऊं और जो डॉक्टर्स के पैनल हैं हमारे साथ जो महाराज लोग हैं ये देखें, ये प्रेत बाधा का निवारण हो रहा है। कैसे, सुनिए कौन है, नाम बता जी, नाम बताए नाम बताए कौन है बड़ा दामे नीचे मुझे नाम बताए जल्दी बताना अच्छा ये वीडियो सबने देख लिया, अब इस वीडियो पे मैं कुछ आगे बढ़ूं से पहले गुड्डू जी जरा मुझे बता देंगे ये कौन सी क्रिया हो रही थी? जी देखो क्रिया नहीं है, ये क्या होता है, ये जो लेडीज है सामने तो इसके अंदर कोई प्रेत है, ठीक है, तो जो हमारी ईष्ट देवी है माता मसानी, ठीक है, तो वो शीश पर आती है फिर उस चीज़ को लेकर चली जाती है, वो जो उसके अंदर नेगेटिविटी है भूत प्रेत की समस्या है, वो जाने के बाद फिर हमारे जो घर का सुंडर रह पाए वो देवता है हमारे घर के जो दादाजी है वो आ जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ तो माता मसानी लेके चली गई है, ठीक है, फिर वो आके बताते हैं उसने माँ की गड़न कर दी उस चीज़ की, ठीक है। अच्छा ये पूरी प्रक्रिया थी, ठीक है, बस ये समझना था। अब मैं जरा इसको जरा सनातनी जो हिंदू धर्म को जानते हैं उनके विद्वानों से भी जरा समझना चाहूँगा। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा एक प्रश्न पहले मैं, क्योंकि इसको तो आप मेडिकल टर्म में कुछ और बताएंगे मुझे पता है, लेकिन उमेश जी से मैं समझूंगा, क्योंकि आप देखिए गेरुए वस्त्र में भी हैं, सनातन को भी जानते हैं, मंत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, कई वेद पुराणों को पढ़ रखा है, ये क्रिया कौन सी होती है इसमें, अगर आपने कहीं देखा हो या समझाओ तो बताइए ना, मैं भी जानूंगा बहुत लोग और भी समझेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि नेशनल चैनल पर भी हमको भी पहली बार इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, महिला के सिर को पकड़ लिया फिर उसके सिर पर अपना सिर रख दिया, हम एक चीज़ को भी नोट करें कि एक महिला बैठी है और हमारे भगत पर इतना अधिकार हो जाता है कि आजकल तो पुरुष बचता है कि किसी महिला का स्पर्श भी ना करूं, लेकिन भगत लोग बड़ी आसानी से महिला को स्पर्श भी कर देते हैं, ऐसा कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है लेकिन कर रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में आप ये देखिए, सुनो लेडी से डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सुनिए मेरी बात, लेडी से डॉक्टर के पास जाती है वो क्या हाथ नहीं पकड़ते, वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, आप तो एक्सपोज करने के लिए तो आए, आप बताइए लेडी से डॉक्टर के पास जाती है वो क्या हाथ नहीं पकड़ते, सर पे हाथ नहीं रखते, ऑपरेशन नहीं करते हैं, भगत जी मेरी बात जी, हाँ जो भी मंत्रोच्चारण गुरु मंत्र आप लोग जपते हैं जी जी हाँ, सनातन संस्कृति के अंदर वेदों में पुराणों में अपने ग्रंथों में यही कहीं पर ये चौकी लगाने की व्यवस्था, ये जो आप लोग करते हैं कहीं इसका 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 कहीं जिक्र आया हो अपने शास्त्रों में पुराणों में इसका जिक्र आया हो, कहीं नहीं आता, हम तो ये सुनते थे कि भाई देवी का दरबार लगता है, भगवती का दरबार लगता है, जब छोटे छोटे तो आज भी देखते हैं माता के जागरण इत्यादि होते हैं जहां उनकी भेंट गाई जाती है, अब ये पता नहीं कौन से दरबार लगने लगे हैं कि एक अच्छा सोफा लग जाता है, पीछे देवी के चित्र लग जाते हैं, कालका माई का चित्र लग जाता है, एक मोर का पंख लग जाता है, किसी को झाड़ा लगा दो, किसी को जल मार दो, आप संसार में ऐसी कौन से विरले अच्छे कर्म आपके क्या थे गुड्डू जी कि विशेष कृपा पूरे संसार में ये काम क्रोध मोह लोभ माया के इस विकार जो विकार है आप में ही ऐसी शक्तियां आ जाती हैं, ऐसे कौन से आप साधना करते हो, हम तो सुनते थे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ वर्ष की साधना के बाद भी
किसने बोला कि मुझे ऐसी शक्ति, आप देखो जगत में लाखों दरबार लग रहे हैं। देखो मैंने ये नहीं बोला कि मेरे ऊपर ही कृपा है, आप भगत देखिए ना, दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं। केसरमल बाबरी जी के बारे में देखिए, लाखों लोग हैं, वो एक लाखों लोग जो दरबार लगाते हैं, मानने वाले वाल्मीकि समाज में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, मैं उनके नहीं बोल रहा, लेकिन उनका नाम लेके, देवी मसाणी का नाम लेकर मुझको प्रमाण करके दिखाइए आप इस चैनल के माध्यम से, देवी मसाणी आप में कौन सी सिद्धि आपने की थी कि आपके अंदर प्रकट हो जाती है? ये काम क्रोध मोह लोभ का शरीर है, इसके अंदर काम भी, अनेक प्रकार के विकार भी हैं, और देवी आपके अंदर किस प्रकार आ जाती है? देखिए हमारी ईष्ट देवी है, कुल देवी है ये, माता मसाणी हमारी ईष्ट देवी है। जब युद्ध के मैदान में गई तो देवी की जीवा बाहर आई, पाखंड है वो, ऐसे ही आते हैं जगत में, देख लो आप में कितने लोग दिखा दूं आपको। गुड्डू जी आप ये बताओ ना, गुड्डू जी अब 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, अपना पक्ष रखिए, उसके बाद मैं डॉक्टर से आपको जोड़ूंगा जी। अभी देखिए ये भाई साहब जो भी थे, भाई साहब नहीं है, ये हिंदू धर्माचार्य हैं, स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श, और जितने वर्षों से शायद आप गद्दी लगाना शुरू नहीं किए होंगे ना, उनसे उससे कहीं ज्यादा वर्षों से इन्होंने साधना में अपनी जिंदगी गुजार दी है। ये बोल रहे हैं कि किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है, हाथ नहीं लगाते, आप ऐसा कर रहे हैं, आपके अंदर मसाणी, देखो लोगों को जिसको दिक्कत परेशानी होती है वो तो उसको ही पता है मेरे अंदर क्या चीज़ है, जब वो यहाँ पर आके ठीक होता है, उसकी दिक्कत परेशानी का हल होता है, ठीक है, तब वो बोलता है ना, आप उन लोगों के पास जाओ, उनको कैमरा लगाओ, जो यहाँ दरबार में आके ठीक हुए हैं लोग, दिक्कत परेशानी। त्यागी जी फिर वो आप लेके आते हो यहाँ पर 100-100 रुपए में, ये बताओ लाखों पब लेके आए, मैं नंबर दे सकता हूँ, आप बात कर सकते हो हमसे, मेरे पास जो सुनो मेरी बात, जो भी भक्त आता है यहाँ पर, त्यागी जी उनके लिए, मेरी बात सुनो आप, त्यागी पे थोड़ा संयम रखिए, आप वाणी पे संयम रखिए, 100-100 रुपए की बात, रोज देखते हैं 100 रुपए में क्या होता है, आप बताओ 100 रुपए की बात कर रहे हैं, 100 रुपए में लोग, आप मेरे पास आओ, हजारों नंबर दिखा दूंगा मैं आपको, मेरे पास पूरी फाइल है, पहले जो लोग मेरे पास आते हैं आके ठीक होते हैं। अरे पहले मेरी बात को सुनो, मैं ये क्या पूछ रहा हूं, मसाणी तुम्हारी पत्नी पे क्यों नहीं आती, तुम औरतों को गर्दन दबा रहे हो, हैं बदतमीजी कर रहे हो, वो इलाज है, सुनो पत्नी का बात नहीं जोड़ो उसमें, सुन जे मेरी बात, तुम मुकाबला कर रहे हो डॉक्टर का, कि डॉक्टर भी तो हाथ पकड़ते हैं, डॉक्टर के हाथ पकड़ने का तरीका अलग होता है। गुड्डू जी अपना पक्ष रखते चलिए, मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा ना भूत प्रेत बाधा, मैं दो डॉक्टर्स को इसलिए मैंने ऑब्जर्विंग में रखा, मॉनिटरिंग में रखा होता है, कि वो आपको मॉनिटर कर रहे थे, और लास्ट में जिनसे बात कराएंगे ना वो पूरे संतुलन को समझाएंगे। डॉक्टर साहब जरा ये समझाइए कि ये पूरी एक्टिविटीज जो आप देख रहे हैं इसमें मेडिकल साइंस कहाँ है, ये तो बहुत पीछे दिखता है मुझे। मैं खाली एक चीज पूछना चाहता हूँ अपने गुड्डू भाई साहब से, कि पहली चीज हम जो मेडिकल साइंस प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी फील्ड हो, चाहे उसमें मेडिसिन हो, डेंटिस्ट्री हो, आयुष हो, आप किस फील्ड में आते हैं इसमें? आप कोई फील्ड में इसमें आते हैं जी? क्या आपका कोई रजिस्ट्रेशन होता है? ये जो कला आपकी है, साधक है, सेवक है, माता के उपासक है, तो इसको देखिए ऐसे ऐसे नहीं होता है। जब आप कोई पेशेंट का इलाज करते हैं तो हमारे देश में काउंसिल्स बने हुए हैं जो रजिस्ट्रेशन देते हैं, आपकी डिग्री देते हैं। अच्छा एक सेकंड मैं आपकी बात रोकूं, 2 मिनट। हाँ बताइए, आप मुझे बताएंगे इसका कहीं, आपसे एक बात पूछता हूँ मैं, आप बताइए कहीं इस वर्ल्ड में कहीं है इस चीज का रजिस्ट्री जो मिलती हो हमें, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट मिलता हो कि आपको भूत प्रेत करने का, वो यही तो बोल रहे सर्टिफिकेट नहीं है, यही तो बोलना चाह रहा हूं के नाम है, नहीं है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसको थोड़ा सा इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं, मैं आपको बताता हूं, भूत प्रेत बाधा हटाने वाले विशेषज्ञ अगर आप बनना चाहते हैं तो इसका नहीं पता मुझे कि इसकी कोई डिग्री होती है कि नहीं होती है, लेकिन ये जो मैं आपको बार बार पदवी बता रहा था ना, महामंडलेश्वर और इस तरह की जो पदवी है ना, ये साधना और सिद्धियों के बाद ही मिलती है, तो ये पद है, इसको आप डिग्री से भी बड़ा मानिए। अखाड़ों के अंदर बड़े बड़े धर्माचार्य धर्मगुरु होते हैं, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर महंत श्री महंत होते हैं, और एक लंबी साधना के बाद, लंबे अंतराल के बाद, उनके अनुभव के बाद ये अखाड़ा तय करता है कि यह व्यक्ति अपनी इस योग्यता के आधार पर वहां पर लाया जाएगा, और महामंडलेश्वर एक बड़े कहते ना बड़ी योजना के तहत, लंबी साधना के तहत आता है, जिसको कुछ सिद्धियां, अर्थात क्या सिद्धियां, हम सिद्धियों के बारे में बड़े कंफ्यूज होते हैं, अर्थात अपने जीवन में आत्मसंयम करने वाला, काम क्रोध मोलों पर नियंत्रण करने वाला,
और जब सिद्धियों पर अपने नियंत्रण कर लेता है तो अखाड़ा तय करता है। इस अखाड़े में भी एक बहुत बड़ी कमेटी होती है, वो तय करता है और उसके बाद में एक लंबा अध्ययन होता है तब वो महामंडलेश्वर आता है। बस इतना काफी, इतना काफी है। ये जो इलाज आप कर रहे हो जी बिल्कुल, इसमें कोई आप पेशेंट से जो मरीज होता है क्या उससे कुछ कंसेंट लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले उनसे पूछा जाता है, देखिए मेरी बात सुनिए, पहले जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी होती है, उसके ऊपर भूत प्रेत की जो भी बाधा होती है, तो वो खुद ही आते हैं। देखो हम किसी के पास नहीं जाते, बुलाते नहीं हम किसी को, ठीक है ना, तो जो भी है वो खुद ही लोग आते हैं यहाँ पर, वो बताते देखिए भैया हमें दिक्कत हो, फिर पता चलता है उनके ऊपर ये चीज़ है। इतना तो मैं समझ पाया हूँ, आप किसी भी भक्त को जो आपके दरबार पर आ रहे हैं, वो आपके जो भक्त हो गए जो पीड़ित है, इनफैक्ट उनके घर वालों को ये तो नहीं बताते होंगे कि मैं इनका भूत झाड़ूंगा और यहाँ से सर पकड़ूंगा और अपने सर पे टकराऊंगा, ये तो नहीं बोलते होंगे आप? या फिर मैं उनको ऐसे गले लगा के रखूंगा तो वो भूत भाग जाएगा, ये तो नहीं बोलते होंगे ना पहले? देखिए ये तो विद इन द ट्रीटमेंट होता होगा क्या डॉक्टर साहब? खुद गलत तो नहीं है? गले कौन लगा के रख रहे हैं आप? उल्टी बात कर रहे हैं, दिख रहा था मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप उल्टा सुन रहे हैं। देखिए वो सामने खुद वीडियो देखते हैं, एक सेकंड महाराज बुलाते हैं। देखिए गुड्डू जी, बड़ी ही सभ्यता के साथ कह रहा हूँ, मेरा लहजा बहुत सभ्य वाला होता है, लेकिन अगर असभ्यता दिखाइएगा तो शायद मैं भी बड़ा असभ्य हो सकता हूँ। आप मेरी भाषा शैली को ठीक से सुनिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सब लोग आते हैं, गले तो पहली बात किसी को लगाया नहीं जाता है, ठीक है ना, वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ऐसा, क्योंकि आप उस वक्त नहीं है वो, ठीक है ना, वो सर्वर थोड़ा वो उधर साइड होता है और इधर साइड होता है, ऐसे होता है वो, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, आप जो सोच रहे हो कि उसके ऊपर है ऐसा नहीं है, उसका सर इधर होता है, मेरा सर इधर होता है। झूठे तो फिर तो कंसेंट भी नहीं लिया गया ना, फिर तो डॉक्टर साहब बोला जाता है, कंसेंट का भी कोई कंसर्न नहीं रहा। अरे झूठे आदमी, रुके ना डॉक्टर साहब। दूसरा चीज मैं पूछना चाहता हूँ, तो आपने भी कहा जैसे आप लिखित तो कुछ नहीं लेते हैं और ना आप उनको बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, आप जो स्पॉट में होता है वो करते हैं, ऑफकोर्स आपकी शुद्ध रहता है क्या इनको, क्योंकि उस समय तो अगर पावर आ गया बिल्कुल तो वो नेचुरली उनको अपना होस्ट तो रहता नहीं होगा। मैं क्या नहीं करता हूँ, वो मेरी बात सुनिए, मैं नहीं करता हूँ। क्या आप उस मरीज को हमेशा समझाते हैं कि एक बारी में ठीक हो जाएगा या कितने टाइम लगेगा, ये आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही रमी हुई चीजें रहती है, जिनके ऊपर ज्यादा ही कष्ट रहता है कि वो नॉर्मल मंत्र से या हवन से नहीं कट पा रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है फिर उनको शरीर के अंदर ही बुलाकर उनकी चीजें फिर देवी के उससे हटाई जाती है वो। मतलब ये तो एक अनोखी पावर है ना आपके पास कि आप आह्वान करते हैं, देवी तुरंत आपके शरीर में आती है और सामने वाले भूत को जो है वो बांध के ले जाती होगी, खींच के ले जाती होंगी तो मतलब ये तो तभी मैंने कहा ना आप आम नहीं है, हम जैसे कहाँ है, डॉक्टर साहब भी जैसे नहीं है, बिल्कुल ले जाती है वो, आपको लाइव दिखा सकता हूँ कभी आप यहाँ, अभी दिखा सकते हैं क्या, बैठे हैं लोग वो भी देख लेंगे, ठीक है आप कैमरा करो इनके पास, ठीक है मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास आज के लाए हुए हैं कुछ लोग, आदेश देवी आदेश बाबा आदेश दरबार के तो लाया जाए इसके ऊपर आदेश आदेश देवता हमारा, चलिए बाबा जी कैसे पुण्य का गिनता सुनता हूँ, देवता आदेश आदेश देवता हमारा, चलिए कैसे पुण्य का गिनता सुनता हूँ, देवता आदेश आदेश आदेश। हाँ पूरा बन क्या, जल्दी पूरा बन क्या, फटाफट पूरा बन क्या, पूरा बन क्या, देख रहे हैं आप सर, ये अभी क्या, इसको क्या कहेंगे आप ये बताइए, ये क्या है, ये मतलब इनके ऊपर कोई प्रेत बाधा है आप ये कह रहे हैं? इनके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी है, आपने एक बुलाकी मशान देवता होता है जी, इसके अंदर प्रेत बाधा है ये, दरबार के तो लाए जाए इसको, पूरा बना के लाओ इसको पूरा बना के लाओ इसको पूरा बना के लाओ, आदेश आदेश पूरा बना के लाया जाए इसको बाबा जी, दरबार के दो तो पूरे बंधन खोल के लाया जाए इसके ऊपर, आदेश हनुमान जी के दो लाया जाए इसके ऊपर, आदेश 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 पूरा बना के लाओ इसको, पूरा बना के लाया जाए इसको, पूरा बना के लाया जाए। क्या नाम है तेरा, नाम बता, नाम बोल अपना, नाम बोल अपना, क्या नाम है तेरा, नाम बोल जल्दी, नाम बोल अपना, आसन में आसन में आसन में जल्दी नाम बोल अपना, नाम बोल अपना, आसन में आसन में आसन में आ, आसन में आ, कैसे आया इसके ऊपर ये बता जल्दी, बोल जल्दी, पूरी चाल में अपने जैसे तू आता है, पूरी चाल में
आदेश बाबा जी आदेश देवता बाबा जी दरबार के दूत देवता आदेश पूरा बना के लाओ इसको दरबार के दूतों पूरा बना के लाओ इसको पूरा बना के आओ जैसे इसकी चाल है पूरा बना के लाओ इसको पूरा बना के लाओ आदेश 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 पूरा बना के अपनी चाल में आ जल्दी जल्दी अगर पूरा बुला के मसाने तो पूरी अपनी चाल में आ जल्दी आ पूरी चाल में आ पूरी चाल में आ जल्दी पूरी चाल में आ अपनी जैसे आता है तो पूरी चाल में आ जल्दी पूरी चाल में हाँ ये चाल है तेरी पूरी चाल में आ पूरी चाल में कहाँ से आया इसके ऊपर ये बता कहाँ से आया इसके ऊपर ये बता हाँ जल्दी बोल कहाँ से आया जल्दी बता किसने भेजा इसके ऊपर हाँ हाँ इसके भाई के गुरु ने क्या नाम है गुरु का हाँ सांभगत जी क्यों भेजा है दुख पे दुख पे क्यों भेजा है परेशान करने के लिए इसको ये बता लड़की को हाँ भगाने के लिए अच्छा तो तब इसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये बता नहीं क्यों क्या बिगाड़ा इसने तेरा ये बता हाँ फिर क्यों परेशान कर रखा है इसको तूने हाँ कुछ तो बात होगी या भोग प्रसाद देके भेजा है तेरे को उसने क्या देके भेजा ये बता हाँ अच्छा बलि देकर भेजा है तब इसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा दरबार के दूतों आदेश आदेश बाबा जी देवता मत आदेश नीचे लेके जाए इसको दरबार के दूतों नीचे ले जाओ इसको आदेश 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 भैरव बाबा के दूत आदेश आदेश ले जाओ इसको नीचे ले जाओ आदेश उठाओ उसको पानी पिलाओ मैं आपको बताता हूँ ये जो चीज थी इसके अलावा एक और चीज है इसमें बोलिए बोलिए गुड्डू जी मैं डॉक्टर कैरोल से आपकी बात कैरोल से बात करवाऊंगा वो बहुत देर से आपको सुन रही थी उनको बात करना है और मैं इस एक्टिविटीज के बाद जी मैं बोल रहा हूँ एक और चीज है इसके अंदर अभी तो ये देखा है कि इसका नाम है बुलाकी मसान बता रहा है ये चीज जी एक चीज और है इसके अंदर अभी उसको लाया जाए ऊपर आपको देखना है तो बताइए नहीं नहीं रुक जाइए ना एक बार रुक जाइए जो मैं हमेशा पूछ रहा था हाँ। आपने इस मैडम का इस औरत का इलाज किया हाँ। तो ये आप इनको पहले ये बोल रही हो जो बोल रहे हैं 500 रुपए में भीड़ बुलाई बोलेंगे इनको पहले वो फिर बोलेंगे वो मैं अभी उनको रोक के रखा हूँ आप उनसे बाद में बात कर लीजिएगा उनका प्रश्न में भी दबा हुआ है मैंने बांध रखा है क्यों बोलोगे आप वो आपको पता है उनके प्रश्न को भी बांध के रखा हुआ है वो जानता है और आप कैसे बोल रहे हो पब्लिक को आप बच जाइए आप कैसे बोल रहे हो पब्लिक को आप पर्सनल मत होइए अभी आप डॉक्टर आप अभी डॉक्टर से बात कर लीजिए डॉक्टर कैरल से बात आप कैसे पब्लिक को बोल रहे 100 रुपए में बुलाया गया है 500 में बुलाया गया है बाद में जवाब दे दीजिए ये बताओ आप उन्होंने 500 कह दिया है अब उसके पूरी फैमिली में यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको आप तो रेट बढ़ा दिया अब तो रेट बढ़ा दिया ये क्या भाई वो जीता है आप अपने पे कैमरा फोकस तो सर कैमरे पे रख रहा है इनको बोलो तो चुप हो जाए कि 500 रुपए में बुलाइए 100 रुपए में बुलाइए ये भी बोल रहे हैं आपको चुप कर रहा हूं मैं उनका काम है उनको बोलने दीजिए आपका काम है आप अपना बताइए डिस्क्राइब कीजिए क्या हो रहा है तो सर मैंने उनके ऊपर ऐसे कोई एलिगेंस नहीं लगाया ना जी 100 रुपए में बुलाइए 500 में बुलाइए गुड्डू जी जी जो आप कर रहे हैं ना वो सर्टिफाइड तो है नहीं लाइसेंस लेके तो कर नहीं रहे आपकी बात जी बोलिए सर्टिफाइड तो है नहीं लाइसेंस लेके कर नहीं रहे तो ये प्रश्न तो उठेगा तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए ना और शक्ति जिसके पास होती है धैर्यवान होता है वो धैर्यवान होता है आपके पास कुछ विद्या है तो धैर्यवान बनिए सीखिए डॉक्टर साहब से मैं एक बार बात करता हूँ जरा सुनिएगा वो भी आपसे बात करें डॉक्टर कैरल बहुत नहीं तो सर देखो ना आप सॉरी अगर आपको डॉक्टर साहब सॉरी पहले सर अच्छा डॉक्टर मुझे एक बात बता दीजिए भूत प्रेत होता है क्या डॉक्टर से उसको बात को मानते हैं क्या ऑब्जेक्शन बिल्कुल बिल्कुल नहीं गुड्डू जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं हाँ, बात कीजिए आप पहले सुन लीजिए मेरी सारी बात गुड्डू जी पहली चीज तो है आप सनातन धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं सनातन धर्म एक धर्म जो है जो हमें ज्ञान देता है चाहे वो पूजा पाठ हो चाहे वो विद्या हो लेकिन कुछ भी हो धर्म को लेके वो धर्म गुरु जहाँ से शुरू होती है शिक्षा वो सनातन धर्म होता है मैं बहुत श्रद्धा करती हूँ सनातन धर्म की और मानती हूँ और मैं एक क्रिश्चियन घर में मेरा जन्म हुआ है नहीं आप सुन लीजिए मेरी बात गुड्डू जी थोड़ा सुनिए ना एक बार बोलिएगा एक बार डॉक्टर को सुन लीजिए फिर बोलिए घर में हुई है गुड्डू जी लेकिन मैं सनातन धर्म को बहुत बहुत ज्यादा श्रद्धा करती हूँ मैं गीता भी पढ़ती हूँ और उसको समझने की कोशिश करती हूँ लेकिन आप जो कर रहे हैं ना मेडिकल साइंस ना सनातन धर्म जी बिल्कुल दोनों का उल्लंघन कर रहे हैं आप
पहली बात, ठीक है, एक गुरु कभी ये नहीं करते जो आप कर रहे हो। अच्छा, आपके पास जो लोग इलाज के लिए आ रहे हैं बच्चे, आपके पास जो इलाज के लिए आ रहे हैं, मैं आपको कोई योगी भी नहीं कहूंगी, मेरे मैं इसलिए आपको वो श्रद्धा नहीं दे पा रही हूँ, जो जो धर्म गुरु होते हैं ना, जो सब कुछ त्याग के अपने धर्म को अपनाते हैं और बहुत साधना के बाद उस जगह पे आता है कि उनकी एक बोल से, जैसे एक अच्छे डॉक्टर के पास जब एक मरीज आते हैं, ऐसे बहुत मरीज हैं, मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि चैम्बर पे घुसते ही डॉक्टर से बात करके आधा बीमारी दूर हो जाती है, वैसे एक धर्म गुरु जब होती है ना, जब उनके पास आप जाते हो, उनको छूने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी जो ज्योत है, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक इंसान को ठीक कर देता है। जी, मतलब मैं अगर सही कह रही हूँ, यहाँ पे जो देखा जा रहा है, आपके पास जो लोग आ रहे हैं, जो अभी आपके वीडियोस देखे हैं या जो भी लीला आपने अभी दिखाया है, ये कम्प्लीटली एक डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। जी जी, इनके कई नाम होते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए उनको भी पता होगा। अच्छा। रोहित आपको भी पता होगा, जब बिहेवियर डिसऑर्डर आते हैं, चाहे वो बाइपोलर हो, चाहे वो एलुसिनेशन हो, चाहे वो हिस्टेरिया हो, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में बॉडी रिएक्ट करती है, चाहे वो नर्व्स की प्रॉब्लम हो, स्पेशली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब आती है, एलुसिनेशन होता है, तो ह्यूमन बॉडी भी रिएक्ट करती है अलॉन्ग विद मेंटल सेंसेस। वहाँ पे जब छोटे छोटे गांव से, कस्बे से लोग आते हैं या लोगों को इस तरीके की बीमारी होती है, उनको नहीं पता होता है, स्पेशली औरतों को, अगर औरतों को होता है, तो औरतों को अगर होता है तो वो कहते हैं भूत चढ़ गया है। तो आप जैसे महान डॉक्टर, गुरु डॉक्टर आप लोगों के पास लेके आते हैं जी। आप नहीं पता, आप जो जिस तरीके से आप इलाज कर रहे थे, जो हम लोग देख रहे थे, वो कतई सही नहीं है। आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बहुत शूड और कनिंग किस्म का आदमी हो, क्योंकि आपके लिए ये एक बिजनेस है। ये देखिए, आप ऑन कैमरा आपने किसी को ठीक कर दिया एक सेकंड में, तो हम साइंस लेके जो लोग आ रहे हैं पढ़ के, या जो लोग डॉक्टर्स बने हुए, हम तो ये नहीं कर सकते, आपने तो मिरेकल कर दी। या किसी अच्छा संत गुरु, जो महान गुरु ज्ञानी लोग होते हैं, वो भी इतने पल सेकंड में आपने ठीक कर दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप जिस बीमारी को दिखा रहे हैं, आप मैं आप ही की भाषा में पूछती हूँ आपसे, मैं वही तो कह रही हूँ, हम अगर साधना करें, हम अगर मंदिर में जाए, तो हम अपने आप को शुद्ध करते, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हम जाते हैं और हम ध्यान लगाने में, मेडिटेशन मैं भी करती हूँ, हमें ध्यान लगाने में आधा घंटा तो लग जाता है कि हम उस मनोभावना में खुद को उतारें और बैठें और ध्यान लगाएं। लेकिन आप तो सेकंड में अभी आपने दिखाया, आप किसी माता को भी ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं, आपको एक ऑन द स्पॉट कॉल में आ जा। अब फाइनल कमेंट दे दीजिए, ये पूरा सर्कुलेशन, इसलिए मैंने डॉक्टर को रास्ते में रखा था कैरू, क्योंकि वो बताएं मेंटली ऑब्जर्व करके, उनका ऑब्जर्वेशन आपने सुन लिया। लेट्स कंक्लूड। आपने आपसे पूछा था और आपने बताया दिखाया सब कुछ हमारे को, तो इसमें कोई साइंस हमारे को लगती नहीं है, जहां तक हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस में सबसे पहले होता है डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस होना कि क्या उसको हम पहचान के रखें क्या, क्योंकि हर एक आदमी का शरीर अलग होता है, ठीक है, और हर एक, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वेरियस बीमारियां होती हैं, आपके नॉलेज में कोई बीमारी नहीं आ रही है। दूसरी चीज, जब कोई भी आप इलाज करते हैं, कोई इलाज करते हैं, तो हमेशा उस मरीज को कंसेंट लेना जरूरी होता है, एग्रीमेंट लेना कभी जरूरी नहीं होता। जो भी आपने किया, हो सकता है उसके फायदे के लिए हो, नुकसान के लिए मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये बात भी पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज ठीक है। अब पूरी जी एक कमेंट आपका, उसके बाद लास्ट में महामंडलेश्वर जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं शो को वाइंड अप करूंगा। पूरी जी, तो ये क्या देवी इस तरह आह्वान, बैठे बैठे बोलेंगे तुम देवी आ जाएंगे? हाँ, अब बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है, दो तीन चीजें मैं इसको कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बोलिए ना। देखिए, गुड्डू जी, भगत जी बैठे हैं, और भगत जी भी नाम बड़े श्रद्धा पूर्वक किसी के पीछे लगाया जाता है। हाँ जी, आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न ये है कि मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया कि आपकी जो धर्मपत्नी बैठी है, वो भी कोई देवी शक्ति की प्रतीक है, उनमें भी कोई शक्ति है क्या? मेरे को इसका जवाब चाहिए, एक मिनट के लिए, है क्या?
ये देखिए, ये हमारा पर्सनल है, ये आपको नहीं बता सकते इस चीज का है या नहीं है। अब मैं आगे बोलता हूँ, मुझे ये सुनना था, मुझे ये सुनना था ना, इस प्रकार के दरबार चलाने के लिए आप बड़ी योजना से काम कर रहे हो गुड्डू जी, कि कानूनी दाव पेच से बचने के लिए अपनी धर्मपत्नी को भी साथ में बिठा रखा है। क्या योजना? क्यों? क्योंकि कोई समस्या कानूनी आती है तो पत्नी साथ में बैठी हुई है, लेकिन मेरे को लगता है कि गुरु गद्दी पर तो गुरु बैठना चाहिए। मेरी बात सुन, तो बिल्कुल हमेशा साथ, ताकि आपको कानूनी मामलों से बचाया जा सके। गुरु माँ है जो यहाँ पे भक्त आते हैं, सबकी गुरु माँ है वो भी। अच्छा गुड्डू जी, गुरु माँ की परिभाषा मत बनाओ, बताओ मेरे को, मुझे गुरु माँ की परिभाषा क्या है? अच्छा गुड्डू जी, अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, आप बताओ, आप विचलित क्यों हो जाते हैं? आप क्यों लग जाती है आप में? गलत काम क्या कर रहे हैं आप? क्यों लग जाती है कानून बचने के लिए? आप सुनो तो सही, आप ये बताओ ना, विचलित क्या है आप? मेरी बात सुनो, सुनो, आपको भी लगेगी आग गुड्डू जी, सुनो, गलत आपको, गुड्डू जी सुनो, मेरी बात सुनो गुड्डू जी, सुनो, आप जो भाई कर रहे हैं उसका बताओ, गुड्डू भाई सुनो, आप नॉर्मली बात करो, मेरे बात तो सुनो, जो नॉर्मली बात है आप करो ना, सुनो सुनो, आप इस चीज में क्यों ले रहे हो? सुनना पड़ेगा, मेरी बात सुनो ना, सुनना पड़ेगा, आप इस चीज कार्यक्रम तो आपको लेकर है ना, सुनना पड़ेगा, मैं भी आप सुनो गुड्डू जी, तो गलत क्वेश्चन नहीं, जो चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो बात करो। गुड्डू जी, आपका बात करने का जो लहजा है वो बदमाशी वाला है, ऐसा नहीं, जो बदमाशी वाला लहजा है आपका, जो बदमाश लेकर घूमते हो आप अपने साथ में, चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मैं एक प्रश्न करता हूं गुड्डू जी, कौन से आपने कहा कि तुरंत कोई देवी को मैंने इस प्रकार बोला और मसाणी प्रकट हो गई, आपने बोला है, मैं तो साधुवाद करता हूँ आपको, इस घोर कलयुग में ऐसे भगत भी बैठे हुए हैं जिनके चुटकी मात्र से देवी प्रकट हो जाती हैं। अरे हमने तो दुर्गा सप्तशती का भी अध्ययन किया है कि लाखों लाखों करोड़ों वर्ष माता का ध्यान करने के बाद भी माता प्रकट होती है, और ऐसे भगत आज भारत में बैठे हैं जो क्या है, गरीब है, जो गरीब है, जो असहाय है, उसका बेनिफिट आप लोग उठाते हो, और वो आपके एक भी अमीर आदमी, करोड़पति, खराब आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके दरबार में नहीं आता, वो गरीब आदमी जो असहाय है, पीड़ित है, उसको टारगेट करते हो। और मैं सुनो गुड्डू जी, आपको बताता हूँ, ये साधना भक्ति और देवी की चर्चा तो ना करो तो अच्छा ही है। आपके जैसे जितने के जितने ढोंगी, आडंबर, पाखंडी दिल्ली में दरबार लगा कर बैठे, आप पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सर्टिफिकेट दिखाओ, जूना अखाड़ा हमको सर्टिफाई करता है, भैया जूना अखाड़ा का सन्यासी है, आप कौन सी गद्दी पर बैठे हो, कौन सा सर्टिफिकेट है, गुड्डू जी एक सेकंड, पूरी जी पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करो, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, अरे सनातन को बदनाम मत करो, गुड्डू जी एक सेकंड, गुड्डू भैया ये तो गुड्डू भैया उससे भी खतरनाक है, सुनिए तो सही, जूना अखाड़ा अगर नहीं पता है तो आप इस शो के बाद जरूर जानिए। मैं देखिए आप देखिए, मैं कितनी विनम्रता से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात गुड्डू जी, मैं कितनी विनम्रता से बोल रहा हूँ, मैं आपको तो मौका देता आया ना, आप सुनिए भी तो सर फिर बोलने दूंगा, बात मान ली, फिर बोलने दूंगा सर, सुन तो लीजिए, 10 सेकंड सुनिए, एक मिनट तो सुनिए, इसलिए सुनिए ना, जो उन्होंने बात बोली है, जो उन्होंने बात बोलने दी है, मेरी तो सुनिए, हाँ बोलिए, जस्ट मिनट सर, जो मेरे पास सुनिए तो सर, एक मिनट के लिए, हाँ देखिए ये बोल रहे हैं, आपके पास सब गरीब लोग आते हैं जिनको कुछ नहीं पता, आपको मैं पढ़े लिखे लोग से मिला हूँ जिनके ऊपर नेगेटिविटी है, नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से नहीं मिलना, ये वो तय कर ले कि वो अज्ञानी की श्रेणी में आना चाहते हैं, ज्ञानी की श्रेणी में ना आना चाहते हैं, वो तय करे, मेरा काम वो नहीं है कि मैं आपसे सर्टिफिकेट लूं कि कौन आ रहा हूँ, त्यागी जी बस आप ही के पास आ रहा हूँ सर जी, अरे अपना पॉइंट तो पूछ ले उनसे, त्यागी जी बहुत उत्तेजित है, वो लगा रहे हैं ना, त्यागी जी बहुत उत्तेजित है आपसे बात करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सुनिए, देखिए है क्या ना, मैंने कहा ना आप सर्टिफाइड नहीं है, आप जो कर रहे हैं इनको इनकी दृष्टिकोण से वो गलत तो सही होगा, बट जिनसे अभी आप बात कर रहे थे उमेश पुरी साहब से, वो जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, और जूना अखाड़े का इतिहास क्या है, उसका भाव क्या है, उसकी भव्यता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि आप किससे कैसे क्या बात कर रहे थे। बहरहाल अब मैं आपको बोल रहा हूँ किससे बात करा रहा हूँ, महामंडलेश्वर से, महामंडलेश्वर, इस शब्द की भी वैल्यू अलग होती है, और अगर ये अगर आपसे गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो आप छोटे समझिए कि शायद कुछ आपको सिखाया जा रहा है, ये हो सकता है कि आपको और ज्ञान के रास्ते में लेके जा रहे हैं, तो उसको उस दृष्टिकोण से लीजिए, हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि सनातन को संभालने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, आपके भी कंधों पर है, मेरे भी कंधों पर है, लेकिन सुनिए तो सही, तब तो सीखिएगा। हाँ देखिए, आप जब से मुझसे
लड़ रहे थे तो सबकी भावनाएं देख के आपका मुझे वो देख के आपके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गुड्डू पुजारी जी या भगत जी, हमको एक वीडियो दिखाई। जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। दिखाई, उसमें आपने इतनी बड़ी जीभ निकाल रखी है, उस औरत को यूं घोंस रखा है, ठीक जी। अब आज जब न्यूज नेशन का कैमरा आपके सामने लगा हुआ है तो आपने इस लड़की का भूत कैसे उतारा? जीभ निकाली जी, उसको लिपेटा। मुझे आप इसका जवाब दें, पाखंडी आदमी। अभी तो ठीक ही नहीं करा सर उसको। क्या ठीक ही नहीं करा उसको? तो अभी हमने ठीक कर दिया। अरे तो तू हमें क्या दिखा रहा फिर? अभी इलाज नहीं हुआ उसका। 500,000 रुपए के लोग जो रख रखे हैं ना तूने, फिर आप गलत बोल रहे हो। फिर आप गलत बोल रहे हो। नहीं बोलते चल, ये बात फिर आप गलत बोल रहे हो। आप ये गलत बोल रहे हो। आप गुरु हो, धर्म गुरु हो, तो लहजे में रहो आप। अरे हैं, दिल से कहते हैं। और तेरे जैसे पुजारियों में रहो, किसी पब्लिक को तेरे जैसे पुराने 1,000 रुपए में लाए, 500 में लाए, तेरे जैसे पुजारियों का इलाज करने बताओ। अरे तो आप ऐसे तो कह सकते हैं ना त्यागी जी, त्यागी जी आप ऐसे तो कह सकते हैं कि माफी मांगो, तुमने गलती की, इसमें सुधार करोगे, ये बोल दीजिए ना। नहीं, माफी मंगवाइए ना उनसे अगर आपको लग रहा है गलत है तो। अभी भी मौका है नेशनल चैनल पर, नेशनल चैनल पर चर्चा हो रही है, यही मौका होता है अपनी गलतियों को सुधारने का। आपको माफी मांगनी चाहिए कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। मौका है, आप माफी मांगिए पूरे भारतवर्ष से कि आपके द्वारा जो पाखंड किया जा रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में इस प्रकार के दरबार में नहीं चलाऊंगा। मुझे लगता है देवी की कृपा पर हो जाएगी, नहीं तो देवी का प्रकोप आने में देरी नहीं लगेगी मेरे भाई। आखिरी जी, लेकिन भाषा का ख्याल रखिए। गुड्डू जी, पुजारी जी, हो गए वो आपके लिए भी है, मेरे लिए पुजारी जी सुनिए, बात सुनिए आप। अरे सुनिए पुजारी जी, सुनिए सुनिए, आप धर्म गुरु, आप अपने आपको बता रहे हो। अरे सुनिए, आप धर्म गुरु बता रहे हो, आपके पास पहुंचे देखो ना। त्यागी जी बोलिए ना, आपके पास मैं अलग टाइप का धर्म गुरु, आप इतने बड़े धर्म गुरु बने हुए हो। फिर भाषा, फिर भाषा, भाई सुनो, आपके भाई सुनो, अगर आप धर्म गुरु, मैं ये कह रहा हूं गुरु हो, अरे आप धर्म गुरु हो तो पहले माफी मांगी हो तो पहले आप बोलना सीखिए। अच्छा, कैसे लहजे में बात चली? खत्म कीजिए, मेरे पास वक्त इतना ही। त्यागी जी चुप, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, मेरी बात बोलिए। तब आप धर्म गुरु बनेंगे, पहले आप बोलने के लैंग्वेज सीखो, उसके बाद धर्म गुरु बनो। आप न्यूज नेशन की टीम लाऊंगा, ऐसे किसी को भी आप पकड़ नहीं बोल सकते। मेरे पे भूत चढ़ाना और उतारना, जिसके ऊपर इंसान के ऊपर बीतती है वो जान सकता है ये प्रॉब्लम। अरे सुन गुड्डू भाई, सुनो गुड्डू भाई, भूत चढ़ा दो उतारना, ये बात तो भूत चढ़ा दो उतारना, आप ठीक करके दिखाओ। मैं आपके सामने केस लेकर आऊंगा। भाग्य और मौका आपको ना मिले, हम जूना खाड़े के सन्यासी हैं और गुरु के द्वारा प्रमाणित हैं। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो? आप जूना खाड़े के सन्यासी और धर्म गुरु के बारे में बोल भी नहीं सकते, हमारे सामने टिक नहीं सकते, गद्दी लगा के कैसी बात करते हो? गद्दी लगा के आप चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी आपका भी, डॉक्टर केरल बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और गुड्डू जी आपका ही। त्यागी जी खत्म हो गया शो, त्यागी जी खत्म हो गया, खत्म हो गया। गुड्डू जी जाने थे, जाते जाते ये जरूर बोल दूँ, मौका हमने फिर से रखा था, कुछ गलतियाँ हुई तो माफ़ी मांग के उसको खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज प्रश्न तो उठेगा, बात सनातन की है और बाकी तो हम जनता पे छोड़ते हैं, विश्वास ऊपर वाले पे करें और जो सामने दिख रहा है उसको देख कर आप खुद तय करें।